For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. Hi everyone. I'm Dr. Tahir Kamal and I'm a graduate of one of the most prestigious medical university of Pakistan, King Edward Medical College. After my graduation from King Edward, I did my house job in medicine and surgery. मेरा खास जो इंटरेस्ट है वो है कॉस्मेटोलॉजी में और कॉस्मेटिक सर्जरी में, बिकॉज मुझे थोड़ा सा एहसास था या मेरे में एप्टीट्यूड था एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी डिसफिगरमेंट में इसको करेक्ट करूं और पेशेंट के चेहरे पे स्माइल आए. तो यू नो आई रियली एंजॉय माय जॉब इन दैट रिस्पेक्ट, सो आई गिव माय बेस्ट इनटू दैट. ज़्यादातर पेशेंट्स, मैं हर तरह के पेशेंट्स देखता हूँ. डर्मेटोलॉजी में 4000 से ज़्यादा डिजीज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ख़ासतौर पे यंग एज में, टीन एजेस में जो प्रॉब्लम है, जिस जो के शायद लोग उतना उसकी सीरियसनेस को नहीं समझते, वो एक्नी है, दाने होना. और थोड़ा सा डिलेमा ये है हमारी सोसाइटी का कि लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं. एक्चुअली दे डोंट हैव आइडिया. बड़े कहते हैं कि जी ये खुद बखुद ठीक हो जाएगी, बट मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक्नी को अगर प्रॉपरली और सीरियसली परसू किया जाए और प्रॉपर कंसल्टेंट या डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाए और ट्रीटमेंट कराया जाए, तो जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे स्कार्स होना, चेहरे पे गड़े हो जाना, निशानात, और इंसान की वो पर्सनैलिटी नहीं रहती. आप समझते हैं कि शायद वो नॉर्मल चलता फिरता इंसान है, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सब शैटर हो जाता है. तो एक्नी को मैं यही दोबारा मैसेज और स्ट्रेस करूँगा कि इस चीज़ पे एम्फेसाइज करूँगा कि एक्नी को प्रॉपरली ट्रीट करवाएं, ट्रीट करें. और प्लीज़ जो एक आपस में गॉसिप्स में जो चीज़ें बातें होती हैं कि एक्नी को किस तरह से ठीक किया जाए, और जो लोग सेल्फ मेडिकेशन या सो कॉल्ड टोटके इस्तेमाल करते हैं, वो उन चीज़ों से बचना चाहिए. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, मेकअप हमारी सोसाइटी में, जब से ये सोशल मीडिया और फिर जाहिर बात है हम लोग बहुत ज़्यादा आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, तो सम हाउ वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर सोसाइटी. तो हम मेकअप जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर गया है. और मैं इस चीज़ पर बड़ा कई फोरम्स पर एम्फसाइज़ करता हूँ कि मेकअप, एक तो सबसे पहले ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेकअप क्वालिटी कौन सा है. लेकिन जनरली ओवर यूज़ ऑफ मेकअप, जिस तरह के जैसे फाउंडेशन है या बेस है, यकीन माने वो स्किन को एक तरह से बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ है, जो कि हम उसको बिल्कुल स्किन बंद कर देते हैं. और जब बंद करता है तो स्किन एक ऑर्गन है, और मैं समझता हूँ जैसे हम सांस लेते हैं, स्किन को सांस लेने का हक है. स्किन बंद हो जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती. यू कैन वेल इमेजिन के प्री मेच्योर रिंकलिंग, सिंप्लीफाइड वे में एक्नी, दाने ज़्यादा होना, चेहरे पे ब्लैमिशेज होना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप मेकअप पे डिपेंडेंट होते जाते हैं, और इट्स ए विशियस साइकिल. सो मेकअप ज़रूर करें, बट देयर मस्ट बी सर्टेन ओकेजन्स, या फिर आपको पता हो कि उसके साथ मैंने क्लिनजिंग और उसको फिर कैसे लेके चलना है, कोप करना है. और फिर अगेन आई वुड जस्ट एम्फसाइज अगेन कि कम से कम क्वालिटी मेकअप करें, ख़ास तौर पे आई मेकअप्स हैं, या बिकॉज यू गेट एलर्जिक रिएक्शन टू दीज मेकअप्स ऑल्सो. सो इसका भी ख्याल रखें कि एलर्जी भी हो जाती है. जो सोसाइटी में कॉमन प्रॉब्लम, जिस तरह एक्नी का भी जिक्र है, या एक्नी को सभी समझते हैं कि दाने क्या कॉम्प्लिकेशन करते हैं, इसी तरह हेयर फॉल है. अब देखिए, बीइंग मेडिकल स्पेशलिस्ट आल्सो, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर फॉल कोई एक सिंपली तरीका नहीं है कि आप में कोई विटामिन की कमी हो गई और आपके बाल गिरना शुरू हो गए. इसके हार्मोनल कॉजेज हैं, इसका स्ट्रेस फैक्टर है, हमारे डाइटरी फैक्टर्स हैं, जो कि हम हर फोरम पे अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ध्यान से ये डेयरी प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें यूज़ करें, बिकॉज अल्टीमेटली सम हाउ दे डिस्टर्ब द हार्मोन्स. और उसकी वजह से मेरे एक्सपीरियंस में इन पास्ट 10 ईयर्स, इन पास्ट 1 डेकेड, बहुत अर्ली जो है, ख़ास तौर पे मेल्स में,
हेयर फॉल आना शुरू हो गया, जिसको हम बॉल्डनेस कहते हैं, गंजपन, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, और इवन दे आर गोइंग फॉर वेरी अर्ली, दे रिक्वायर वेरी अर्ली ट्रीटमेंट और अल्टीमेटली. लेकिन अब फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बिसाइड हेयर ट्रांसप्लांट, एक सबसे अच्छी न्यूज़ ये है, या जो मैं समझता हूँ सबको बताना चाहता हूँ, कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसको हम PRP थेरेपी कहते हैं, इट्स ए वेरी गुड ऑल्टरनेटिव. और अगर बाल बहुत ज़्यादा गिरे नहीं हैं या बॉल्ड नहीं हुआ पेशेंट, एंड इफ़ ही और शी कंसर्ट्स एट प्रॉपर टाइम, तो वी कैन डू अ लॉट विदाउट गोइंग फॉर एनी सर्जिकल ऑप्शन. सो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी इज स्टिल अ गुड ऑप्शन. इट्स आई थिंक अ रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट विच कैन बी रियली हेल्पफुल. लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, खाली उसका रीज़न कोई कॉस्मेटिक, कोई लोग समझते हैं कि शैम्पू गलत इस्तेमाल कर लिए तो हेयर फॉल हो गया, इट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड कि अंडरलाइन कॉज क्या है. कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, एनीमिया, खून की कमी, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, एंड देन डॉक्टर मस्ट ट्रीट इन ए प्रॉपर वे. अब हमारी सोसाइटी में एस्थेटिक्स और ब्यूटी और ये चीज़ें और इतनी शामिल हो चुकी हैं कि अब पीपल आर गेटिंग वेरी कॉन्शियस. और ख़ास तौर पे जैसे ही वंस वी क्रॉस 30-35, तो पहले तो हमारी अर्ली स्टेज, जिनको हम क्रिंकल्स कहते हैं, वो फेस पे आना शुरू होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली दे डेवलप इनटू रिंकल्स. अब रिंकल के लिए ज़्यादातर कॉन्सेप्ट अभी भी ये है कि जी हम कोई क्रीम अप्लाई करेंगे और रिंकल्स गायब हो जाएंगे. अगर अर्ली स्टेजेस हैं जिनको हम क्रिंकल्स कहते हैं, वो तो क्रीम से, जो कि कॉलेजिन बूस्टिंग क्रीम्स हैं, तो इफ़ेक्टिवली ट्रीट हो सकते हैं. लेकिन अगर प्रॉपर रिंकल रिड्यूस हो गए हैं, तो उसके लिए जो मैं सोसाइटी को या लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि नॉन सर्जिकल इफ़ेक्टिव वेज हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें सर्जरी के थ्रू जाना है. सबसे प्राइमरीली जैसे फोर हेड रिंकल्स हैं या अराउंड आइज हैं, तो दे कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद बोटॉक्स. दूसरा, हमारे पास अब लेज़र्स जो है, दे आर डूइंग वंडर्स, बिकॉज बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है लेज़र में. तो हम आई थिंक फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र कैन बी इफेक्टिवली यूज. तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिंकल के विच ऑप्शन डू यू यूज. उसके बाद फिर हम आते हैं, जिस तरह मैंने अभी हेयर फॉल के लिए जिक्र किया प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी का, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर रिंकल्स. सिर्फ थोड़ा पेशेंस चाहिए, इट रिक्वायर्स कपल ऑफ सेशंस, मे बी लाइक 7-8 सेशंस. तो अगर हम इन चीज़ों को कंबाइन करें तो वी गेट वेरी इफेक्टिव रिजल्ट. हाँ, जो लाफ लाइन्स हैं या कुछ जगह है जहाँ के आप समझते हैं कि कॉलेजन या इलास्टिक फाइबर डीजनरेट हो गया या इलास्टिक फाइबर कम है, लूज स्किन, वहाँ हमें फिलर की मदद लेनी पड़ती है. लेकिन इनका कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो हम इफेक्टिवली किसी भी तरीके से इनको हम ट्रीट कर सकते हैं. और अबव ऑल, हमारे पास अब रिंकल्स के लिए या लूज स्किन के लिए, मैं समझता हूँ कि हाई इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, विच इज़ अ न्यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन पास्ट 3-4 ईयर्स, जो कि आपके जैसे स्किन टाइटनिंग ऑफ फेस है या लूज स्किन हो जाती है चेहरे पे, तो हम इसको हीफू के नाम से आम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट वो दैट स्टैंड्स फॉर हाई इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इफेक्टिव मेथडोलॉजी ऑफ रिमूविंग रिंकल्स एंड लूज स्किन एंड स्किन टाइटनिंग ऑफ फेस, दे आर द थ्रेड्स. अब थ्रेड में एडवांसमेंट ये है कि ज़रा लोगों को थोड़ा सा एप्रीहेंशन होती है कि थ्रेड शायद अंदर जाके कोई रिएक्शन करेगा, बट न्यूअर थ्रेड्स दे डिज़ोल्व स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद वो डिज़ोल्व हो जाते हैं 6 weeks में, एंड दे प्रोड्यूस न्यू कॉलेजन, सो यू गेट ए टाइटन एंड फर्म स्किन इन दैट रिस्पेक्ट. सो दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ नॉन सर्जिकल इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटिंग रिंकल्स एंड लूज स्किन. हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि फीमेल्स को एक तो अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ी बात है. दूसरी ये कि अगर अवेयरनेस है तो दे डोंट लाइक टू डिस्कस, स्पेशली वुमेन आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज. और कुछ प्रॉब्लम्स अगर वो डिस्कस करती हैं तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट का वो डोमेन नहीं है, जिसमें वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ वजाइनल ड्राइनेस, और उस वजह से जो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होती हैं, ऑब्वियसली हकीकतन एक जो आपकी सेक्सुअल लाइफ होती है उसका एक अपना एक प्रैक्टिकली एक उसकी इम्पॉर्टेंस है. बट एक्चुअली क्योंकि वी डोंट लाइक टू डिस्कस इन ओपन, तो फीमेल्स ऑब्वियसली दे डोंट लाइक टू डिस्कस विद देयर डॉक्टर्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट अवेयरनेस ऑफ नॉन सर्जिकल
way of treating this thing. So being a dermatologist, we have a very good option. Just like a laser thing, it's a laser probe and it's a fractional CO2 laser. With almost, I would say it's a painless या बगैर किसी दर्द के ये प्रोसीजर होता है. इसको अगर प्रॉपरली प्लान किया जाए तो मंथ अपार्ट कोई 2 से 3 सेशंस होते हैं एंड यू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. फीमेल्स के मतलब जो एपिथीलियम है वो नया हो जाता है और उससे ये जो ड्राइनेस के इशू हैं ये भी, और दूसरे अदरवाइज जो वो डिमांड कर रही होती हैं कि हमें ये चीज़ ख़ास तौर पर आफ्टर 40s बिकॉज ऑफ मीनोपॉजल इफ़ेक्ट्स जो हमारे लूज स्किन हो गई है वजाइनल मसल की, तो उस एपिथीलियम को भी और मसल को भी हम टाइटन अप कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर. अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं या आपको किसी भी किस्म की कोई स्किन डिजीज़ या कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक प्रोसीजर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ़ यू लाइक टू टेक माई अपॉइंटमेंट, तो काइंडली यू कैन कॉन्टैक्ट मरहम इन दैट रिस्पेक्ट. और मरहम के थ्रू आप मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिए और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑफ द वे, व्हाटएवर आई कैन डू इन माय बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी.